वो कौन से फाइव टैंपलेट्स हैं जिसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल तुरंत दे देता है ठीक है अगर आप अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर इन टैंपलेट को यूज करते हो तो हंड्रेड परसेंट आपको अप्रूवल मिलेगा सो so गाइज मेरा नाम है राज वल्तारा आप हो वल्तारा एक्सप्लेन चैनल के ऊपर अगर चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो सबसे पहला वाला जो टैंपलेट है हमारा। तो ये है हमारा टैंपलेट अब इसे देख सकते हो मैं इसे नीचे लेके जाता हूं ओके ठीक है अब इसे मैं ठीक से आपको समझाऊंगा सबसे पहले यहां पर देखो नेविगेशन बार हो गया इसके एरर बहुत लोगों को आते हैं एडसेंस रिलेटेड तो ये जो होम पेज है कॉन्टैक्ट पेज है प्राइवेसी पॉलिसी है ये हमेशा हमारे ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट दिए हुए हैं आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से उसके बाद में सोशल प्लेटफॉर्म्स वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं फिर यहाँ पर डे नाइट का ऑप्शन दिया है इन्होंने तो वो मुझे काफी अच्छा लगा ठीक है उसके बाद में लोगो तो आपको लोगो हटा के यहाँ पर टैक्स रखना है ठीक है मेन मेन्यू इन्होंने यहाँ पर मेन मेन्यू दिया है और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ जब भी इन लोग मेघा uh, मेन्यू देते हैं इसे आपको हटा देना है तो मेघा मेन्यू कैसे हटाते हैं तो सीधा आपको जाना है मेन मेन्यू के अंदर और वहां पर जितने भी मेन्यू है इन्हें आपको निकाल देना है और न्यू मेन्यू क्रिएट करना है ठीक है अब बात करेंगे इसका जो एनिमेशन का जो सेक्शन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा ठीक है यहाँ पर लिखा है गेम कलेक्शन और यहाँ पर आप अगर अल मोड़ गेम के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेम शो हो रहे हैं ठीक है थीके? जितने भी गेम्स है यहाँ पर आ रहे हैं अब मैं यहाँ पर अल मोड ऐप के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो जितने भी ऐप्स थे वो आ चुके हैं यहाँ पर तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये टैंपलेट और इसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल हंड्रेड परसेंट मिलेगा यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल एड्स लिखा है इन्होंने गूगल एड्स ठीक है तो गूगल को ऐसे ही टैंपलेट अच्छे लगते हैं जहां पर हीरो सेक्शन खत्म होने के बाद तुरंत उन्हें एक स्पेस मिल जाता है वहां पर वो एड शो करते हैं इसके बाद में अगर मैं नीचे आऊं तो यहाँ पर और एक मिलेगा आपको ठीक है गूगल एड्स का तो ये भी बहुत ही अच्छा है तो इस टैंपलेट को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर अप्रूवल आपको बहुत ही फास्ट मिल सकता है ठीक है तो गाइस ये एप्लीकेशन टैंपलेट है यहाँ पर आप डाउनलोड एप्लीकेशन वेबसाइट या रिव्यू वेबसाइट बना सकते हो अब बात करेंगे हम दूसरे टैंपलेट की तो ये जो टैम्पलेट है इसे मैं ओपन करता हूं यहाँ पर ये जो टैंपलेट है ये ऑफिशियली कुकिंग रिव्यू के ऊपर बनाया गया है ठीक है तो आप इसे कुकिंग के अंदर भी यूज कर सकते हो रेसिपी के अंदर ठीक है तो इन्होंने दो मेनू बार यहाँ पर दिए हैं सबसे पहला जो है वो मेन मेनू बार दिया है इन्होंने यहाँ पर देखो आप होम है मेगा मेन्यू है फिर फीचर्स ये आप कस्टमाइज कर सकते हो लोगो भी है यहाँ पर डे नाइट का ऑप्शन है ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा और जितने भी अभी न्यू टैबलेट्स रिलीज हो रहे हैं उनके अंदर डे नाइट का ऑप्शन होता है ठीक है नीचे यहाँ पर आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस है यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से कैटेगरीज के ऑप्शन दिए हैं आप यहाँ पर अपने हिसाब से इमेजेस लगा के आप यहाँ पर कैटेगरी को सेट कर सकते हो जैसे मैंने अभी यहाँ पर वीज प्लेट रेसिपी के ऊपर क्लिक किया तो जितने भी मेरे रेसिपी वेस्ट प्लेट की रेसिपी है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ पर आप अपना इमेज लगा सकते हो या अपना लोगो रख सकते हो नीचे आऊँगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो जितने भी ब्लॉग सेक्शन है वो आपको दिखेगा फिर यहाँ पर लेबल्स है कैटेगरीज है आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो ठीक है अबाउट पेज इन्होंने डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर दिया है तो आप ये भी बहुत ही एक अच्छा प्लस पॉइंट है एडसेंस एडसेंस के के लिए के लिए स्पेस दिया है इन्होंने तो मुझे ये भी बात बहुत ही अच्छी लगी फुटर का मेन्यू है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये भी आपको लिंक करके रखना है ओके तो गैर यहां पर भी आप देख सकते हो यहां पर भी गूगल एड्स का इन्होंने एक ऑप्शन दिया है साइड में ओके तो इस टैंपलेट के ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल हंड्रेड परसेंट मिल सकता है ओके तो अब बात करेंगे हम तीसरे टैंपलेट की तो इसे हम यहां से ओपन करते हैं तो आप इस टैंपलेट को देख सकते हो ये जो टैंपलेट है ये प्रॉपर ब्लॉगिंग वाला टैंपलेट है अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो अपने बारे में कुछ लिखते हो ठीक है तो आप इस टैंपलेट को हंड्रेड परसेंट यूज करो क्योंकि बहुत ही सिंपल टैंपलेट है और इसके ऊपर हंड्रेड टू हंड्रेड परसेंट अप्रूवल मिल सकता है आपको ठीक है तो इसका जो मेन मेन मेन्यू है वो यहाँ पर है आप देख सकते हो इसके अंदर का मेगा मेन्यू आपको निकाल देना है यहाँ पर आपके ब्लॉक का नेम आपको ऐड करना है ये भी डे नाइट वाला टैम्पलेट है ठीक है अब नीचे आऊँगा यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल एड्स यहाँ पर भी उन्होंने एक स्पेज छोड़ा है फिर यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म दिया हैं इन्होंने फिर ये पोस्ट सेक्शन हो गया ठीक है आप यहाँ पर लेबल्स का इन्होंने एक सेक्शन दिया है ठीक है फिर नीचे आऊँगा अगर कोई भी बंदा आपको फॉलो करना चाहता है तो यहाँ पर अपनी जी मेल आई डी डाल के यहाँ से सब्सक्राइब कर सकता है आपके ब्लॉग को फिर नीचे आऊंगा रिसेंट पोस्ट का ऑप्शन है ठीक है फिर कमेंट जितने भी कमेंट्स किए हैं वो आपको यहाँ पर शो करेंगे फिर ये जो ऑप्शन है नीचे के दो ये भी बहुत ही सुपम है आप अपने हिसाब से यहाँ से कैटेगरीज लगा सकते हो ठीक है तो ये जो डिजाइन है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी बेसिक टैंपलेट है सिंपल है पर प्रोफेशनल लग रहा है ऐसे नहीं लग रहा कि ब्लॉगर के ऊपर है ठीक है तो इसे भी आप यूज कर सकते हो अगर आप ब्लॉगिंग करते हो ठीक है अब बात करेंगे हम चौथे टैंपलेट की तो यहां पर मैं इसे ओपन करता हूं ठीक है तो इस टैंपलेट के अंदर इन्होंने तीन अलग अलग कलर दिए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हर बार यही सजेस्ट करूंगा कि आप व्हाइट टैंपलेट को ही चॉइस करो क्योंकि गूगल एडसेंस व्हाइट कलर के ऊपर जल्दी अप्रूवल देता है तो मैं इसे ओपन करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो टैंपलेट है ये बहुत ही बेसिक है पर ये टेक्निकल रिलेटेड जितने भी ब्लॉग है उनके लिए है अगर आप टेक्निकल रिलेटेड कुछ लिखते हो आपका एक यूट्यूब चैनल है तो आप इसे जरूर यूज करो ठीक है आप कुछ सिखा रहे हो किसी को एसियो के बारे में सिखा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सिखा रहे हो तो ये टैम्पलेट आपके लिए बहुत ही बेस्ट है और इसके ऊपर एडसेंस अप्रूवल बहुत ही इजीली मिल सकता है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपना लोगो ऐड कर सकते हो ठीक है अपना टेक्स यहाँ पर ऐड कर सकते हो फिर यहाँ पर आप इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो फिर यहाँ पर भी डे नाइट का ऑप्शन दिया है इन्होंने ठीक है फिर यहाँ से नीचे आऊंगा मैं तो यहाँ पर लेटेस्ट जितने भी पोस्ट हैं वो शो करेंगे और ये एक बेसिक सा प्रोफेशनल टैंपलेट है ठीक है मैं जैसे नीचे करूंगा तो यहाँ पर मेनूबार चला जाएगा यहाँ से तो मुझे ये सिस्टम अच्छी लगी अगर आप नीचे आते हो तो ये तीन पेज आपको ज़रूर क्रिएट करने हैं अगर आपका टेक्निकल रिलेटेड ब्लॉग है ठीक है अब ये जो यहाँ पर अबाउट अस लिखा है ये भी आपको डिस्प्ले करना है अगर आप ये डिस्प्ले करते हो तो एडसेंस यहाँ पर भी अट्रैक्ट होता है और यहाँ से भी अप्रूवल देने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं ठीक है ओके सो गाइज ये भी टैंपलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फिट होते हो अब बात करेंगे पाँचवें टैंपलेट की तो पाँचवा टैम्पलेट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस टैंपलेट को मैं फाइव स्टार दे दूंगा क्योंकि इस टैंपलेट जैसा मैंने आज तक ब्लॉगर में टैंपलेट नहीं देखा तो इसके अंदर भी कलर है तो हम व्हाइट ही चॉइस करेंगे ओके okay, तो ये जो टैंपलेट है गाइस इस टैंपलेट को आप प्रॉपर टेक्निकल रिलेटेड बताते हो तो इस टैंपलेट को आप बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपना लोगो लगा सकते हो और यहाँ पर टाइटल लगा सकते हो अपने ब्लॉग चैनल की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो ठीक है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके जितने भी ब्लॉग है वो यहाँ पर शो करेंगे कैटेगरी के साथ में डेट के साथ में ठीक है अगर मैं नीचे आता हूं अगर मैं यहां पर ऑफ पेज ऐसी कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो जितने भी पोस्ट है वो यहां पर आ चुके हैं इस हिसाब से ये टैबलेट आपके लिए बहुत ही अच्छा है ठीक है तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो ठीक है नीचे इन्होंने फुटर भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिया है यहाँ पर आप अपने बारे में लिख सकते हो ठीक है फ्ला, सोशल प्लेटफॉर्म से यहाँ पर और ये पेजेस आपको हंड्रेड परसेंट क्रिएट करने हैं मुझे यहाँ पर एक चीज अच्छी लगी इन्होंने मेंशन भी किया है देखो हेल्थ के बारे में इतने पोस्ट यहाँ पर हैं उसके बाद में यहाँ पर न्यूज़ के बारे में है टेक्निकल रिलेटेड हैं आप भी ऐसे ही कुछ क्रिएट कर सकते हो इतना ब्यूटिफुल ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो तो मुझे ये बहुत ही बेस्ट पैम्पलेट लगा ठीक है तो गाइज अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आइकन को प्रेस करके ऑल बटन के ऊपर क्लिक जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में